बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं एक कदम भीम मिशन की ओर यूट्यूब चैनल को। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक खबर हमारे सामने निकल कर आई है और साथ ही उसी खबर को हम विस्तार से समझाएंगे और उन मूर्खों को भी जवाब देंगे जो बोलते हैं कि इस देश में अब जातिवाद नहीं रहा। साथियों, एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसे हम पढ़ने के बाद सोचने पर मजबूर हुए कि आज भी 21वीं सदी में दलित समाज के युवक के साथ इस तरीके से जातिगत भेदभाव हो सकता है। एक छोटी सी गलती की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। तो साथियों, कोई गलती भी नहीं की थी उसने, आखिर गलती कैसे नहीं की थी, हम आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, दलित समाज के व्यक्तियों के साथ आए दिन उत्पीड़न व अत्याचार होते हैं, पर अंधभक्तों को नहीं दिखाई देते हैं, जैसे कि कंगना रनौत। कंगना रनौत आए दिन कहती रहती है कि अब डिजिटल इंडिया है और इस डिजिटल इंडिया में जातिगत भेदभाव जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, यानी कि जातिवाद अब कहीं पर भी नहीं रहा। साथियों, अगर जातिवाद नहीं रहा है तो आए दिन फिर दलित समाज के व्यक्तियों पर उत्पीड़न व अत्याचार क्यों होते हैं? साथियों, ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। कंगना रनौत जैसी एक्टर जो कि अपने आप को फिल्मी स्टार बोलती हैं, साथियों उनसे एक सवाल पूछना चाहिए कि अगर जातिवाद समाप्त हो गया है तो आए दिन इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं दलित समाज की व्यक्तियों पर क्यों घटित होती हैं, ये सवाल खड़ा होता है। साथ ही एक सबसे ज़्यादा इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश के छतरपुर से खबर निकल कर आ रही है। वहाँ पर एक दलित समाज के युवक को 25 वर्ष के युवक बताया जा रहा है और साथियों ये खबर आप बड़े ही न्यूज चैनल ने छापी, आप लगातार स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे। इसमें साफ साफ लिखा है कि दलित समाज के व्यक्ति को, युवक को इस कारण से मार दिया गया, यानी कि पीट पीट कर इस कारण से मार दिया गया क्योंकि साथियों उसने खाना छू लिया। एक उच्च जातियों के व्यक्तियों की पार्टी में या शादी में वो व्यक्ति बुलाया गया था सफाई करने के लिए। साथियों, उसने सिर्फ इतना गलती कर दी कि उसने वहाँ पर रखा हुआ खाना छू लिया, इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो साथियों, ये कोई गलती तो है नहीं, खाना ही तो छुआ है, खाना वो भी पैदा करता हुआ, हर एक व्यक्ति का अधिकार है छूने का, खाना छुआ है, सिर्फ ओनली छूने के कारण उसको अपनी जान की कीमत, उस खाने की छूने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ऐसी जातिवाद से ग्रस्त व्यक्ति, मैंने सोचा भी नहीं था इस तरीके के जातिवाद से ग्रस्त व्यक्ति भी इस मध्य प्रदेश में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे। और कंगना रनौत जी, अगर आप ये वीडियो देख रही हों तो बता दीजिएगा ट्वीट करके कि आज भी जातिवाद है या नहीं, कि अब भी अंधभक्ति आपके दिमाग में जारी है। तो साथियों, ये बिल्कुल गलत बात है। जिस समाज पर उत्पीड़न व अत्याचार हो रहा है उस समाज को बदनाम करना बिल्कुल गलत बात है। उस समाज के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि इस समाज के साथ जातिवाद भेदभाव नहीं होता है। साथियों, आज भी जातिवाद हो रहा है और आए दिन दलित समाज के दूल्हों को घोड़ी से उतारा जाता है, यानी कि इतना तक इन्हें पसंद नहीं कि दलित समाज का व्यक्ति, दलित समाज का युवक घोड़ी पर चढ़ के बारात निकाल सके। तो साथियों, किस तरीके से आप समझ सकते हो किस तरीके से दलित समाज के व्यक्ति जातिगत का शिकार होते हैं और कंगना रनौत जैसी महिलाओं को ये नहीं दिखाई देता है कि जातिवाद हो रहा है या नहीं। साथियों, बेशक डिजिटल इंडिया, दलित समाज के व्यक्तियों को पहले भी उत्पीड़न व अत्याचार किया गया था उन पर और आज भी उत्पीड़न व अत्याचार किया जा रहा है, बेशक किसी को दिखाई दे या ना दे, पर साथियों समाज सब दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देता है, हमको भी दिखाई देता है। और हमारा चैनल का उद्देश्य यही है, गरीब दलित शोषित वंचितों पर हो रहे उत्पीड़न व अत्याचार की आवाज़ उठाना, और हम इस चैनल के माध्यम से गरीब दलित शोषित वंचितों की आवाज़ उठाते रहेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर एक बहुजन समाज के व्यक्ति के पास अवश्य शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दी घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि हर एक बहुजन समाज से जुड़ी खबर की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। मैं विशाल कुमार और आप देख रहे थे एक कदम भीम मिशन की ओर। जय भीम, जय भारत। फिर मिलता हूँ एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी।